इस स्वागत धुन को हमारी बसेस के लिए बजाता हुआ, ये बस पूरी तरह बच्चों से भरी हुई बस आज दिल्ली के लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने और एलजी साहब ने मिलके लगभग 400 ई बसेस का इनॉग्रेशन किया। 400 ई बसेस आज और दिल्ली की सड़कों पे उतरी हैं। इसके पहले 400 बसेस ऑलरेडी दिल्ली की सड़कों पे चल रही थी, तो अब 800 इलेक्ट्रिक बसेस बिल्कुल मॉडर्न एयर कंडीशनड बसेस दिल्ली की सड़कों पे चलने लगी हैं। और इसके साथ दिल्ली देश का वो शहर बन गया जहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स के बारे में बता देता हूँ, काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा था। 921 बसें हमें केंद्र सरकार की 921 बसों पे सब्सिडी मिल रही है। हर बस पे 45 लाख रुपए की लगभग हमें सब्सिडी मिलेगी और 921 बसों पे मिला के 417 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। हर बस की लाइफ जो है वो 12 साल है, तो टोटल खर्चा इन 921 बसों पे टोटल खर्चा 4091 करोड़, लगभग 4100 करोड़ का खर्चा आएगा, जिसमें से 417 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिलेंगे। 10% केंद्र सरकार से मिलेंगे, बाकी 90% जो है वो दिल्ली सरकार खर्च करेगी। तो 8200 बसों का जो हमारा टारगेट है उसमें से 900 ये और 300 बसें पहले, 1200 बसें हमें केंद्र सरकार की सब्सिडी से मिलेगी और बाकी सारी बसेस हम अपने पैसे से लाएंगे। हमारी तो केंद्र सरकार से गुजारिश है कि जैसे इन 1200 बसों पे सब्सिडी दे रहे हो, बाकियों पे भी सब्सिडी अगर दें तो अच्छा रहेगा। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन बसों पे भी दे रहे हैं, औरों पे भी देंगे, हम उम्मीद करते हैं। केवल बसें खरीदने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, क्योंकि अलग किस्म के बस डिपो बनते हैं जहाँ पे रिचार्जिंग होती है। तो अभी तक हम 182 करोड़ रुपये खर्च करके 1500 ई बसेस का हमने खड़े करने का डिपोज का वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। ये जो आज 400 ई बसेस आई हैं ये टाटा मोटर्स की हैं और ये मायापुरी, नेहरू प्लेस, रोहिणी वन, रोहिणी टू और बंदा बहादुर मार्ग डिपो से चलेंगी। इसके अलावा 3980 बसेस जिनमें जीरो सब्सिडी है उसका भी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है और वो भी जल्दी आना चालू हो जाएंगी। तो एक तरह से दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस में कन्वर्जन की एक तरह से क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं और 2 साल के अंदर हम दुनिया के नक्शे पे होंगे जहां सबसे ज़्यादा बसें दिल्ली के अंदर होंगी।